2023 के लिए पिछले वीक में जो डेट्स की अनाउंसमेंट हुई है और उसके करस्पॉन्डिंग जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी अनाउंसमेंट हुई है, इन दोनों ही चीज़ों को लेकर के कई स्टूडेंट्स की तरफ से कई सारे कंसर्न्स आए हैं। उन्हीं कंसर्न्स को एड्रेस करते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि मैंने जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ था उस दिन भी एक वीडियो बनाया था कि किस तरह से जेईई मेन की ये जो जनवरी अटेम्प्ट है इसको अच्छे से अच्छा करने के लिए किन किन चीज़ों को पहले अपने को कंप्लीट करना चाहिए। हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स का वीडियो भी मंडे को हमने जारी किया है, जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में बच्चों को गाइडेंस दिया है कि इस तरह से अगर आप तैयारी करते हैं तो कम से कम चैप्टर करके भी ज़्यादा ज़्यादा स्कोरिंग कर सकते हैं। वो तो एक सब्जेक्ट वाइज गाइडेंस हो गया है, लेकिन बच्चों का एक बड़ा कंसर्न इसमें जो आया है वो ये आया है कि 75% का जो क्राइटेरिया है 12th बोर्ड में, और 65% जो SC ST के लिए है और 75% जनरल कैटेगरी के लिए बोर्ड में परसेंटेज होना चाहिए, ये क्राइटेरिया जो आया है इससे काफ़ी बच्चों को परेशानी हो रही है और होना इसमें लाजमी है। क्योंकि 2022 में जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया बोर्ड का, उन बच्चों ने 2021-22 का जो पूरा सेशन है उसके अंदर भी कोविड की वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंसेस रहे हैं, और बच्चे अपने 12th बोर्ड की तैयारी भी काफ़ी सारे बच्चे उतने अच्छे तरह से नहीं कर पाए और इतना परसेंटेज उन्होंने स्कोर नहीं किया। तो इस 75% के क्राइटेरिया को और जो डेट्स हैं इन दोनों के बारे में कंसर्न्स हैं उसको मैं इस वीडियो में ले रहा हूँ, और मकसद इसका यही है कि आगे ये सरकार तक पहुँचे और NTA तक भी ये पहुँचे ताकि बच्चों को राहत दी जा सके। इस संदर्भ में हमने ऑलरेडी रेजोनेंस ने ऑलरेडी संडे से ही इसके लिए मुहिम शुरू की थी, और कल हमारी तरफ से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर के हमारे स्टाफ कलेक्ट्रेट भी गए थे, और कलेक्टर साहब को एक प्रतिवेदन देने के लिए उनसे बात हुई थी इसी संदर्भ में, और उन्होंने फिर अपने जो दूसरे अधिकारी हैं उनके पास में उनको भेज करके वो प्रतिवेदन वहाँ पे दिलवाया है। इस प्रतिवेदन में हमारी तरफ से दो मुख्य बातें हैं, उनमें एक बात तो यह है कि जो 75% और 65% का क्राइटेरिया है उसको 2023 के लिए रिलैक्स किया जाए, मतलब इस साल उसको हटाया जाए। कारण उसका यही है कि जिन बच्चों पे ये लागू हो रहा है, खास तौर से जो बच्चों ने 2022 या 2021 में एग्ज़ाम दे दिया है, वो बच्चे कोविड से प्रभावित होकर के उन्होंने पढ़ाई करते हुए एग्ज़ाम दिया है और इस साल वो रिपीटर बने हैं, जो इस साल फ्रेशर हैं वो तो 2023 में एग्ज़ाम देंगे, उनको तो इस बात के बारे में पता है और वो एक तरह से नोन होकर के एग्ज़ाम देंगे, तो वो तो चलो उस क्राइटेरिया को फिर भी पास कर सकते हैं। हालांकि लेकिन 2022 और 21 में जिन्होंने पास कर लिया है उनके लिए ये अब पॉसिबल नहीं है, और ऑलरेडी जो बोर्ड में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम की डेट होती है फॉर्म भरने की, वो डेट भी निकल चुकी है। तो ऐसे बच्चे जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं और इस साल ड्रॉपर बैच में हैं, उन बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल बनी हुई है। कई बच्चे इसकी वजह से बड़े डिप्रेस सिचुएशन में हैं कि भाई उनका ये अटेम्प्ट एक तरह से ख़त्म हो रहा है। तो गवर्नमेंट को और NTA को बहुत सीरियसली इस बात को लेना चाहिए और बच्चों के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए ये राहत उनको देनी चाहिए कि इस बार वो 2023 के लिए इस क्राइटेरिया को हटा दें। पहले 20 परसेंटाइल वाला भी क्राइटेरिया होता था कि भाई बच्चा या तो अपने अपने बोर्ड में 75% मार्क्स लाए, है ना, जनरल कैटेगरी का हो तो, और SC ST का तो 65% मार्क्स लाए, या अपने अपने बोर्ड के अंदर अपनी अपनी कैटेगरी में टॉप 20% मेरिट के अंदर आए। वो टॉप 20% वाला मेरिट भी इस बार वो वाला क्राइटेरिया भी हटा दिया है, उससे भी कुछ बच्चों को राहत मिल सकती थी। लेकिन हमारी गुजारिश है सारे बच्चों के बिहाफ पे, हमारे संस्थान के बच्चों के बिहाफ पे भी और पूरे इंडिया में पूरे देश भर में जो भी बच्चे इस साल ड्रॉप करके अपना एग्जाम देना चाहते हैं उन सभी बच्चों के बिहाफ पे हम NTA और सरकार से, केंद्र सरकार से, HRD मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि एक मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए इन बच्चों के लिए इनको इस साल रिलैक्स किया जाए। दूसरी बात यह है कि जो डेट्स आई हैं वो भी लगभग 35-40 दिन के समय पहले ही ये डेट्स आई हैं एग्ज़ाम से। इतने कम टाइम के अंदर बच्चा अपने आप को मेंटली तैयार नहीं कर सकता है, खास तौर से जो बच्चा इस साल ड्रॉप कर रहा है
जो 12th का एग्जाम देते हुए तैयारी कर रहा है उसके लिए तो अभी कोर्स कंप्लीट लगभग हो चुके हैं, लेकिन जो बच्चे इस साल ड्रॉप करके अपनी तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के साथ परेशानी ये है कि उन्होंने जेई मेन के जो 2022 के अटेम्प्ट दिए और जो आईटी का एग्जाम जेई एडवांस एग्जाम दिया इस साल, उसके बाद काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट किया, जो बच्चे इन सारी प्रक्रियाओं से गुजरे हैं और काउंसलिंग अभी 1-2 महीने पहले ही जस्ट खत्म हुई है, तो इन बच्चों के पास तैयारी का बहुत कम समय बचा है रहा है जो अब तक, तो इनका काफी हद तक कोर्स कम ही हुआ है। तो इन बच्चों के सामने बहुत बड़ी समस्या है कि 40 दिन के अंदर ये कोई बहुत ज्यादा कोर्स नहीं कर पाएंगे। अब तो बाई बाय द टाइम ये जो जेई मेन का पहला अटेम्प्ट होगा उस समय तक इनका बहुत कम कोर्स हुआ होगा एक प्रॉपर तरीके से। अभी भगा के दौड़ा के वैसे करने में तो कंप्लीट हो जाता है, बट एक होता है ना नेचुरल स्पीड में कोर्स को कंप्लीट करना, वो किसी के बस की बात नहीं है, खास इन ड्रॉपर बच्चों के लिए। इसलिए उनके लिए ये डेट भी सूटेबल नहीं है। अगेन सभी बच्चों के बिहाफ पे, खास तौर से ड्रॉपर बच्चों के बिहाफ पे मैं सरकार से गुजारिश करूंगा, एनटीए से भी गुजारिश करूंगा कि इन डेट्स को दोबारा से देखें और बच्चों को जो ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, एक बहुत बड़े स्ट्रेस के थ्रू बच्चे गुजर रहे हैं, उनको रिलैक्स होके तैयारी करने में उनको मदद करें। तो ये 2 पॉइंट पे हमारी इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट है। एक तो ये क्राइटेरिया बोर्ड की परसेंट का 2023 के लिए हटाएं, और दूसरा है कि इस तारीख को आगे बढ़ाएं ताकि बच्चों को सफिशिएंट टाइम मिले अच्छे से तैयारी करने का। यही 2 पॉइंट्स के साथ जो प्रतिवेदन है, जो रिक्वेस्ट लेटर है, वो हमने हमारे कोटा बूंदी के सांसद और लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी के ऑफिस में भी कोटा में हमने दिया है, और जब वो यहाँ पे उपलब्ध होंगे तब उनको फिजिकली भी ये प्रतिवेदन दिया जाएगा कि एक सांसद के रूप में हम उनको अपनी पीड़ा बता सकते हैं, हमारे बच्चे उनको अपनी पीड़ा बता सकते हैं, और लोकसभा अध्यक्ष होने के नाते भी उनको ये पीड़ा बता सकते हैं। वो भी इस मामले में जितनी हमारी मदद हो सकती है, बच्चों की मदद हो सकती है, वो करें। और कोटा जो शिक्षा की काशी कहा जाता है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद ने इसको कहा है, और देश भर के सारे हर राज्य से, हर जगह से, हर जिले से बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, और वो कोटा के एक बहुत बड़ा कोचिंग करने वाले बच्चों का एक बहुत बड़ा पार्ट यहाँ पे पढ़ाई करता है। उन बच्चों की आशाओं को एक तरह से जीवित रखने के लिए, उनको रिलैक्स होकर के पढ़ाई करने के लिए, इन दोनों चीज़ों में जिन भी अधिकारियों से, जिन भी अथॉरिटी से इन बच्चों को मदद मिल सकती है, तो बच्चे हमेशा उनके शुक्रगुजार रहेंगे। और बच्चों के लिए, बच्चे अभी जैसे इस चीज़ के लिए एक प्रकार से आंदोलनरत भी हैं, बच्चे खुद इसके लिए हर जगह जाकर के अपना प्रतिवेदन देने के लिए तैयार हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि बच्चों को अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है ना, पढ़ने का समय है और उसमें उनको लड़ना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उनके समय की, उनकी ऊर्जा का एक तरह से वो व्यर्थ हो रही है। तो मैं कहना चाहूँगा कि इस पूरी चीज में कि लड़ने का समय नहीं है, पढ़ने का समय है, तो लड़ने नहीं पढ़ने दो, ये चीज के साथ सब लोग इसका ध्यान रखें, सभी अधिकारी इनका ध्यान रखते हुए बच्चों की मदद करें। धन्यवाद।